हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा PHP कोर्स से रिलेटेड 102 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप PHP का सेशन वेरिएबल के बारे में सीखने वाले हैं। इससे पिछली तीन वीडियोस में हमने आपको सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में बताया था कि सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। यहाँ पर आपको उसकी एक लिस्ट भी दिख रही है, जिसमें से रेड कलर में जो भी आपको नज़र आ रहे हैं ये हम अपनी पिछली तीन वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो मैं ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दे दूंगा, जहां से जाके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं $_session। तो आइए पहले समझते हैं सेशन का मतलब क्या होता है। इसे पिछली वीडियो में मैंने आपको कुकीज़ के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था जब भी हमारी वेबसाइट का कोई भी विजिटर जब भी हमारी वेबसाइट को ओपन करेगा तो वो जो रिक्वेस्ट है वो जाएगी सर्वर पे, और सर्वर जो है वो हमारे सिस्टम पे, मतलब कि वेबसाइट के जो विजिटर है उसके सिस्टम पे एक टेम्परेरी इन्फॉर्मेशन सेव कर देता है, जिसे हम कहते हैं कुकीज़। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सेशन की। सेशन के केस में भी हम टेम्परेरी इन्फॉर्मेशन सेव करते हैं, मगर वो हम वेबसाइट के विजिटर के सिस्टम पे सेव नहीं करेंगे, उसको हम टेम्परेरीली सर्वर पे ही सेव करते हैं। और सर्वर पे जो ये हम टेम्परेरी इन्फॉर्मेशन सेव करते हैं इसको हम कहते हैं सेशन स्टोर। ये जो इन्फॉर्मेशन सेव की जाती है सर्वर पे, ये बिल्कुल टेम्परेरीली होती है। अगर आप इसे परमानेंट सेव करना चाहते हैं तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं डाटाबेसेस जैसे MySQL, जिसको हम आगे जाने वाली अपनी वीडियोस में सीखेंगे। अब सेशन की जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे हमने टेम्परेरीली सर्वर पे सेव तो कर दी, मगर जब भी हम इसे गेट करना चाहते हैं तो बिल्कुल इसे गेट कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट पे कहीं पर भी इसे शो कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि सेशन का यूज़ कहाँ होता है वेबसाइट पे। देखिए, इसका जो मैक्सिमम 90% जो यूज़ होता है वो होता है लॉगिन पेज पे। जब भी हम यूज़र का लॉगिन पेज बनाते हैं जहाँ पे हम यूज़र से उसका यूज़र नेम और पासवर्ड गेट करते हैं, तो उस केस में हम वहाँ पर एक सेशन क्रिएट कर देते हैं सर्वर पे, जो कि एक निशानी होती है कि यूज़र जो है लॉगिन है अभी अपने इस कंप्यूटर पे। और जब यूज़र हमारी वेबसाइट से लॉग आउट करता है तो वो सेशन को हम डिलीट कर देते हैं। आपने यूजली देखा भी होगा, जैसे मान लीजिए ई कॉमर्स की जो वेबसाइट्स होती हैं, शॉपिंग की वेबसाइट्स, जब भी आप उस पर लॉगिन करते हैं उसके बाद आप उसके किसी भी पेज पर विजिट करते हैं तो ऊपर आपका यूज़र नेम दिखाता रहता है, हेलो यूज़र नेम, जो भी आपका यूज़र नेम है वो वहाँ पे शो होता रहता है। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? ये पॉसिबल होता है सेशन की हेल्प से। आइए समझते हैं सेशन को क्रिएट करने का और असेस करने के हमारे पास क्या क्या मेथड्स हैं। देखिए, जब भी हमने सर्वर पे सेशन को क्रिएट करना है तो उसके बेसिकली तीन स्टेप होते हैं। सबसे जो पहला स्टेप होता है वो होता है सेशन स्टार्ट। ये हमारे पास एक फंक्शन होता है PHP के अंदर। जब भी हमने सेशन के अंदर कुछ भी काम करना है तो सबसे पहले हमें सेशन को स्टार्ट करना पड़ता है। उसके बाद जो हमारा दूसरा स्टेप होता है वो होता है सेशन को क्रिएट करने का, मतलब कि जब भी आपने सेशन को स्टार्ट करने के बाद उसमें कोई एंट्री करनी है तो उसके बाद आप यहाँ पे $_session नाम का जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है उसको यूज़ करेंगे। इसके अंदर बेसिकली हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। यहाँ पे होता है उसका एक नेम, ये हम एक वेरिएबल की तरह एक नेम लेते हैं इसे, जिसको हम कहते हैं सेशन ID, और यहाँ पर उसकी एक वैल्यू होती है। जैसे कि हमने कुकीज़ में भी देखा था, हम कुकीज़ के अंदर एक वैल्यू सेट कर रहे थे, बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ पर भी इसको एक वैल्यू देंगे। वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे मान लीजिए यूज़र का यूज़र नेम या उसका फर्स्ट नेम या कुछ और वैल्यू। अब हमने सेशन पे एक सेशन तो क्रिएट कर दिया, अब हम किसी भी पेज पर उस सेशन को अगर देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक तीसरा स्टेप होता है, जिसके केस में हम यहाँ पर इको करते हैं सेशन की हेल्प से वो नेम जो हमने यहाँ पर सेशन में सेव करवाया, जिसको हम बोलते हैं सेशन ID। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ, जब भी आप किसी और पेज में सेशन को दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हर बार सेशन को क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेशन तो एक बार क्रिएट हो गया जब यूज़र ने लॉगिन किया। उसके बाद अगर आप किसी भी पेज में से देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सेशन को स्टार्ट करना है, उसके बाद सीधा तीसरा स्टेप लेना है सेशन को इको करने का, या कुछ और आप अगर काम करना चाहते हैं सेशन से रिलेटेड वो भी आप वहाँ पर कर सकते हैं। तो ये होते हैं बेसिकली तीन स्टेप, इनको एक बार मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको सेशन को स्टार्ट करना है, फिर उसके बाद आपको स्टेप 2 लेना है सेशन को क्रिएट करने का, जहाँ पर आप उसके लिए एक नेम देंगे जिसको हम सेशन ID बोलते हैं और उसकी एक वैल्यू। उसके बाद जो हमारा तीसरा स्टेप होता है वो होता है सेशन को प्रिंट कराने के लिए, या यहाँ पर आप ये सोच सकते हैं कि आप सेशन को असेस करना चाहते हैं। अब इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेशन का जो बेसिकली यूज़ होता है वो होता है लॉग इन पेजेस में, तो यूज़र जब भी हमारी वेबसाइट से लॉग आउट करेगा उस केस में हम वहाँ पर सेशन को डिलीट कर देते हैं। तो इसके भी हमारे पास दो स्टेप्स होते हैं। सबसे जो पहला स्टेप होता है वो होता है सेशन अनसेट। ये जो PHP का फंक्शन है सेशन अनसेट, ये बेसिकली करता क्या है, ये सेशन के जितने भी हमने वेरिएबल्स बनाए हैं ये उनको डिलीट कर देगा। उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप होता है वो होता है सेशन को पूरा डिस्ट्रॉय करने का। ये फंक्शन बेसिकली जो भी हमारा सेशन बनाया, मतलब कि हर सिस्टम का एक अलग से सेशन बनता है सर्वर पे, उसको ये रिमूव कर देता है।
तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली कि हम सेशंस को वेबसाइट के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं। यहां देखिए एचटीएमएल के एडिटर में मैंने अपनी एक फाइल क्रिएट कर ली है, सेशन क्रिएट डॉट पीएचपी। अब यहां पर आकर सबसे पहले हम सेशन को क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले मेरे को अपना फंक्शन चलाना है सेशन स्टार्ट। ये देखिए इस फंक्शन को लिखने के बाद अब आप सेशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे को यहां पर अपना ग्लोबल वेरिएबल को यूज करना है जिसका नाम है डॉलर अंडरस्कोर सेशन। इसके बाद हमें यहां पर लगानी है स्क्वायर ब्रेसेस, और स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर यहां पर हमारे को एक नेम लेना है जो कि एक सेशन के वेरिएबल का नेम होता है जिसको हम कहते हैं सेशन आईडी। तो देखिए उसके लिए मैं यहां पर लूंगा इन्वर्टेड कोट्स और यहां पर उसको एक नाम दे देता हूं जैसे फैब कलर। आप कोई भी नाम ले सकते हैं जैसे यूजर नेम कुछ भी। तो अभी यहां पर मैं कलर सेव कराऊंगा और यहां देखिए इसको मैं एक वैल्यू भी दे देता हूं और यहां पर मैंने इसको एक वैल्यू दे दी जैसे ऑरेंज। ये देखिए अब मैं चाहता हूं जैसे ये सेशन क्रिएट हो जाए तो इसके बाद मेरे को एक मैसेज भी डिस्प्ले हो जाए। तो उसके लिए मैं यहां पर इको लगा के एक मैसेज भी दिखा देता हूं, सेशन वेरिएबल इज सेट। ये देखिए यहां पर अब सेशन क्रिएट हो जाएगा और उसके बाद मेरे को ये मैसेज भी डिस्प्ले हो जाएगा। यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। ये देखिए यहां पर ब्राउजर पे मैंने अपनी फाइल ओपन की हुई है सेशन क्रिएट डॉट पीएचपी। अब मैं यहां पर फाइल को रिफ्रेश करता हूं और ये देखिए यहां पर मैसेज डिस्प्ले हो गया कि सेशन वेरिएबल इज सेट, मतलब कि वो सेट हो चुका है। अब हम उसे देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहां पर अपनी दूसरी फाइल यूज करेंगे जो मैंने अलग से बनाई है सेशन व्यू डॉट पीएचपी। तो इसके लिए भी सबसे पहले मेरे को यहां पर सेशन को स्टार्ट करना है। तो यहां पर मैंने अपना वही फंक्शन ले लिया सेशन स्टार्ट। ये बस बात आपको याद रखनी है कि जब भी आपने सेशन से रिलेटेड कोई भी काम करना है तो सबसे पहले पेज में सबसे टॉप पर आपको सेशन को स्टार्ट करना है। अभी सेशन को स्टार्ट होने के बाद मैं आपको दिखाता हूं कि जो हमारा वेरिएबल है डॉलर अंडरस्कोर सेशन वो एक एरे है, उसमें सारी जितने भी हमने सेशन बनाए हैं इस सिस्टम से वो सारे सेव हो चुके होंगे। उसको एक साथ देखना है तो आप प्रिंट आर फंक्शन यूज कर सकते हो। और यहां पर मैंने ले लिया डॉलर अंडरस्कोर सेशन, ये देखिए, और यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब ये देखिए यहां पर हमारी दूसरी फाइल है सेशन व्यू डॉट पीएचपी। अब इसके अंदर आकर मेरे को जस्ट फाइल को रिफ्रेश करना है। ये देखिए यहां पर जो भी हमारा सेशन वेरिएबल के अंदर वेरिएबल सेव हुआ था उसका नाम था फैब कलर और उसकी जो वैल्यू थी वो थी ऑरेंज, जबकि हमने इसे क्रिएट कहां किया था, दूसरे पेज में। आप देख रहे हैं इस वाले पेज पे क्रिएट किया था मगर हम इसे व्यू कर रहे हैं दूसरे पेज पे। अब अगर मैं इस वैल्यू को अलग से देखना चाहता हूं तो उसको मैं कर सकता हूं। उसके लिए मैं देखिए यहां पर अगर मैं एचटीएमएल की फाइल में देखना चाहता हूं तो वहां पर भी देख सकता हूं। तो सबसे पहले मैं यहां पर अपना एचटीएमएल टैग ले लेता हूं। ये देखिए मेरा टैग बन चुका है और इसके अंदर आकर यहां पर बॉडी टैग के अंदर मैं थोड़ा सा एंटर मार देता हूं। यहां पर देखिए यहां पर भी मेरे को अपना पीएचपी का टैग शुरू करना है सबसे पहले, और इसके अंदर यहां पर मैं इको लगाऊंगा और यहां पर एक मैसेज दे देता हूं जैसे फेवरेट कलर, और यहां पर कॉन्कैटिनेशन के साइन के बाद मेरे को अपना ग्लोबल वेरिएबल यूज करना है डॉलर अंडरस्कोर सेशन, और यहां पर स्क्वायर ब्रेसेस के बाद मेरे को अपना वही वेरिएबल का नाम लेना जो मैंने सेट किया था। तो देखिए यहां पर मैंने दूसरे पेज में क्या सेट किया था, फैब कलर, तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं और यहां पर आकर सेशन व्यू के अंदर मैं इसे पेस्ट कर देता हूं। ये देखिए तो यहां पर अब मैं फाइल को सेव करता हूं और यहां आकर रिफ्रेश करता हूं। ये देखिए यहां पर हमारी एचटीएमएल की वैल्यू आ चुकी है फेवरेट कलर, उसके बाद आ रहा है ऑरेंज। तो यहां पर मैं आपको दोबारा से दिखाता हूं, यहां जो ऊपर है सबसे पहले जब हमारा पेज स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले मैंने यहां पर स्टार्ट किया सेशन स्टार्ट अपना फंक्शन, उसके बाद मैंने आपको यहां पर उसको एरे को प्रिंट करके दिखाया, और उसके बाद यहां पर एचटीएमएल में कहीं पर भी मैं उसको प्रिंट कर सकता हूं। आपको यही वेरिएबल का यूज करना है डॉलर अंडरस्कोर सेशन, और जोन सा भी आपने सेशन में आईडी रखा था वो आपको यहां पे पास करना है तो उसकी वो वैल्यू दे देगा। यहां पर मैं एक बात और भी बताना चाहता हूं, आप एक ही साथ कई सारे सेशन बना सकते हैं, जैसे मैंने यहां पर फैब कलर लिया, आप किसी और नाम का भी बना सकते हैं जैसे यूजर नेम, फेवरेट एनिमल या कुछ भी। अब ये मैं कल भी आकर अगर सिस्टम को बंद करके चेक करके देखूंगा तभी मेरे को ये यही वैल्यू दिखाएगा, ये तब तक दिखाएगा जब तक मैं इस सेशन को डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा। और यहां पर मैं एक चीज और भी बताना चाहता हूं, मैं इस सेशन की वैल्यू को कभी भी चेंज भी कर सकता हूं। तो उसके लिए देखिए मैं दोबारा से अपने उसी पेज पर जाता हूं और यहां पर अब इसकी वैल्यू को कर देता हूं ग्रीन। मैंने यहां पर फाइल को सेव किया। अब मैं यहां पर अपने दूसरे पेज में आ जाता हूं जिसका नाम है सेशन क्रिएट, और यहां पर पेज को रिफ्रेश करता हूं। ये देखिए अब मैं वापस इस पेज पे गया।
अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर ऑरेंज कलर की जगह पे दिखाएगा ग्रीन। ये देखिए मैंने पेज को रिफ्रेश किया, ये देखिए यहाँ पर भी ग्रीन आ रहा है और यहाँ पर भी ग्रीन। तो आपने देखा कि मैं सेशन की वैल्यू को कभी भी चेंज भी कर सकता हूँ, और इसका जो फ़ायदा है मेन वो तो आप देख ही रहे हैं। अब मैं इसको किसी भी पेज में जाके देखूंगा तो इस सेशन की वैल्यू मेरे को सेम ही दिखाएगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली सर्वर पे सेव हो चुका है, और सर्वर में जो भी वैल्यू मैंने सेव की है वो जितने भी सिस्टम्स हैं उन सबको सेम ही वैल्यू दिखाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस सेशन को हमने डिलीट कैसे करना है। तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पर अपनी थर्ड फाइल बनाई है जिसका नाम है सेशन डिलीट। तो इसके लिए भी सबसे पहले मेरे को सेशन को स्टार्ट करना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने वही फंक्शन लिया सेशन स्टार्ट। अब इसके बाद मेरे को अपना फंक्शन यूज करना है जिसका नाम है सेशन अनसेट। इस फंक्शन का काम क्या होता है, ये जितने भी हमने इस सिस्टम से रिलेटेड सेशन में वेरिएबल सेट किए हैं, मतलब कि सेशन आईडी बनाए हैं, उनकी सारी वैल्यूज को उड़ा देगा। उसको उड़ाने के बाद हम सेशन को डिलीट कर सकते हैं, वो सीधा डिलीट नहीं होता है, तो उसको पहले अनसेट करना पड़ता है। तो देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर अनसेट लिखा, अब इसके बाद ये अनसेट हो जाएगा। अब इसके बाद मैं डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ सेशन को, तो उसके लिए हमारे पास जो फंक्शन आता है उसका नाम है सेशन डिस्ट्रॉय। ये देखिए पहले उसने क्या किया, सेशन की आईडी की जो भी वैल्यू थी उसको रिमूव कर दिया, उसको मतलब अनसेट कर दिया। उसके बाद इसने सेशन को डिस्ट्रॉय किया, वो सीधा डिस्ट्रॉय कभी नहीं करेगा। तो आपको यही तीनों स्टेप फॉलो करने हैं डिलीट करने के लिए। और यहाँ पर मैं एक मैसेज भी दिखा देता हूँ जो कि मेरे को शो कर देगा कि भैया सेशन डिस्ट्रॉय हुआ है कि नहीं। तो सेशन इज डिस्ट्रॉय, मैंने यहाँ पर एज ए टेम्परेरी एक मैसेज भी शो कर दिया। जैसे ही मैं इस फाइल को रिफ्रेश करूँगा तो ये डिस्ट्रॉय होने के बाद ये मेरे को मैसेज शो हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ब्राउज़र में देखा और यहाँ ये मेरी थर्ड फाइल बनी हुई है जिसका नाम है सेशन डिस्ट्रॉय डॉट पी एच पी। ये ऑलरेडी मैंने ब्राउज़र में ओपन करके रखी हुई है। और देखिए यहाँ पर मैं फाइल को रिफ्रेश करता हूँ और देखिए मेरा सेशन डिस्ट्रॉय हो चुका है और ये मैसेज भी शो हो रहा है मुझे। अब मैं आपको जब मैं व्यू वाले पेज में जाऊँगा और यहाँ पर अब फाइल को रिफ्रेश करूँगा तो मैं आपको दिखाऊँगा कि ये कलर जो है और जो इसकी वैल्यू है ये दोनों ही रिमूव हो चुके हैं। ये देखिए यहाँ पर ये कह रहा है अनडिफाइंड इंडेक्स फैब कलर, मतलब कि इस नाम का कोई भी यहाँ पर इंडेक्स नहीं है सेशन का, और इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब यही है कि सेशन ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि जब भी हम सेशन का व्यू वाला पेज देखते हैं तो वहाँ पर हम ये कंडीशनल बेस लगाते हैं, मतलब कि वहाँ पर पहले चेक करते हैं कि कोई सेशन सेट है भी है कि नहीं। अगर सेट है तो ही मैसेज डिस्प्ले करे, वरना ये एरर आ जाएगा अगर आप वो कंडीशन नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर व्यू की पेज में आकर मैं जैसे यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले कर रहा था तो इसको मेरे को इफ़ कंडीशन के अंदर डालना होगा। तो यहाँ पर देखिए उसके लिए आपको इफ़ कंडीशन में लगानी है इफ़, और यहाँ पर अपना फंक्शन यूज़ करना इस सेट, और इसके अंदर आकर मैं ये वेरिएबल जो है ये डाल देता हूँ पूरा का पूरा कि फैव कलर नाम से कोई भी सेशन क्रिएटेड है, मतलब ये अगर सेट है तो जो मैसेज है ये डिस्प्ले हो। ये देखिए अब ये मैसेज तभी डिस्प्ले होगा जब ये सेशन सेट होगा। और ऊपर से जाकर यहाँ पर जो मैंने ये प्रिंट आर लगाया था इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ देखिए मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई है इफ़ इज सेट, सेट क्या ये अगर वेरिएबल सेशन वेरिएबल जो अगर सेट है तभी ये मैसेज डिस्प्ले हो। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर रिफ्रेश किया तो देखिए अब कुछ भी नहीं दिखा रहा, अब ना कोई एरर आ रहा है जबकि मैसेज सेट नहीं है। और अगर हम इसमें दोबारा से जाके यहाँ पर पेज को रिफ्रेश करूँ, अब सेशन सेट हो चुका है। अब मैं वापस गया व्यू वाले पेज पे और फाइल को रिफ्रेश किया, ये देखिए अब यहाँ पे दिखा रहा है ग्रीन। तो आपने देखा कि हम सेशन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे व्यू कर सकते हैं और इसको डिस्ट्रॉय भी कैसे कर सकते हैं। आगे जाकर जो मैं MySQL के साथ PHP के अंदर एक प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ उसके अंदर भी वहाँ पर मैं लॉगिन बनाऊँगा और वहाँ पर इसको यूज़ करूँगा। तो वहाँ पर आप इसका टोटल प्रैक्टिकल देख सकते हैं कि हम इसे रियल लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।